कक्षा 8वीं या सॉरी 9वीं और 10वीं सेक्शन सी है ना, आज आपके हिंदी व्याकरण आपके टॉपिक है कारक, लेकिन मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं? शायद मैंने करा भी दिया है क्लास 10 को, आप फिर से हो सकता है मैंने करा दिया है आपके क्लासेस में, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिलाने के लिए फिर दोबारा ये टॉपिक करा रही हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहलाते हैं। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ लगने वाले शब्द चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। कारकों के साथ लगने वाले चिन्हों को विभक्ति कहते हैं, जैसे नीचे बॉक्स में दे रखा है कारक और विभक्तियां, कारक और विभक्तियां दे रखा है बॉक्स में, उस हिसाब से आपको चिन्ह लगाने हैं। कर्ता जो कार्य करता है उसके लिए विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म है तो को, करण है से के द्वारा के साथ, संप्रदान है को के लिए, अपदान है से अलग होना, संबंध है काके की रारे जी, अधिकरण है मैं पर, संबोधन है हे हरे रे। ये शब्द है आपके कारक के विभक्तियां, कारक चिन्हों के साथ लगने वाले विभक्तियां। आप देखते हैं सबसे पहले कर्ता कारक आया आपका, कर्ता कारक किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहलाते हैं, सबसे पहला है ना कर्ता, क्रिया को करने वाला जो भी कार्य कर रहा है वही क्या हुआ आपका कर्ता। इसका विभक्ति चिन्ह ने है, जैसे सेंटेंस पढ़ने से, जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन क्या है यहाँ कर्ता, पुस्तक पढ़ने का काम क्रिया कौन कर रहा है, मोहन, सो मोहन यहाँ कर्ता कारक है। कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होता है, जैसे बच्चे गीत गाते हैं, बच्चे गीत गाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, बिना विभक्ति चिन्ह का भी कर्ता हम यहाँ निकाल सकते हैं। कर्म कारक सेकंड, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है वो है आपके कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का कारक ही विभक्ति को है, इसका प्रयोग प्रायः प्राणिवाचक संज्ञाओं के साथ ही किया जाता है, जैसे अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को कर्म कारक है, है? कभी कभी को विभक्ति के बिना भी कर्म कारक होता है, जैसे सुरेश ने पत्र लिखा, पत्र क्या है कर्म कारक। उसी प्रकार तीसरा है आपका कारक करण कारक, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य संपन्न करता है वह पद करण कारक होता है, इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा, जैसे सेंटेंस है आपका वाक्य प्रयोग, बच्चा चम्मच से खीर खाता है, बच्चा चम्मच से खीर खाता है, चम्मच से यहाँ क्या हुआ आपका करण कारक। उसी प्रकार चौथा प्रकार है संप्रदान कारक, कारक का जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाए, प्रदान की जाए या जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, इसके विभक्ति चिन्ह को के लिए, जैसे हमने गरीबों को वस्त्र दिए, गरीबों को संप्रदान कारक है, मैं अपने छोटे भाई के लिए खिलौने लाया, छोटे भाई के लिए संप्रदान कारक है। अपदान कारक संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहते हैं। अलग अपदान का विभक्ति चिन्ह से है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से अपदान कारक है, इसके साथ ही निकलने, लजाने, डरने, तुलना करने आदि भावों में भी अपदान कारक होता है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, चूहा बिल्ली से डरता है, है? उसी प्रकार छठा प्रकार है आपके संबंध कारक,
शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ जाना जाए उसे कहते हैं संबंध कार्य, संबंध है ना, उससे संबंधित। इसकी विभक्ति चिन्ह का के की रा रे री है, जैसे वह मोहन का भाई है और वह मेरा मित्र है। मोहन का और मेरा संबंध कारक है। अब आया सातवां प्रकार आपका अधिकरण कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के आधार पर बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह मैं पर है, जैसे मछली पानी में रहती है और कौवा पेड़ पर बैठा है। पानी में तथा पेड़ पर अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, जब किसी संज्ञा को संबोधित किया जाता है तब संबोधन कारक का प्रयोग होता है। इसके चिन्ह, इसके विभक्ति चिन्ह है हे, अरे आदि, जैसे हे लड़के इधर आओ, आपको संबोधन चिन्ह लगाने हैं, हे लड़के संबोधन कारक है। इस प्रकार आपके कारक के कुछ भेद, कारक क्या है, कारकों के भेद और उनके साथ लगने वाली विभक्तियां हमने पढ़ा है। आपके एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, रेखांकित शब्दों के कारक बताएं। वहां इलाज के लिए अस्पताल गया, किसके लिए, किसके लिए, इलाज के लिए, तो यहां क्या हुआ, संप्रदान कारक। गाय का नाम गौरी है, गाय का नाम गौरी है, यहां है आपके संबंध। मेरी आंखों से पानी निकलता है, मेरी आंखों से पानी निकलता है, अपदान है, अलग होना। उसी प्रकार वह दुकान के भीतर नहीं है, संबंध कारक। उसे तार द्वारा सूचित करें, है, उसे तार द्वारा सूचित करें, कारण। भिखारी को खाना दो, भिखारी को खाना दो, यहाँ पे संप्रदान कारक। वह मेरा घर है, किसका संबंध है, ये संबंध कारक। वह मेरा घर है क्योंकि मेरा मुझसे संबंधित। मैंने सुरेश को बुलाया, मैंने सुरेश को बुलाया, संप्रदान कारक। गंगा गंगोत्री से निकलती है, अपदान कारक। उसी प्रकार श्याम राम को पुस्तक देता है, श्याम राम को पुस्तक देता है, ये कर्म कारक। मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, कर्म कारक। चंद्रमा आकाश में चमकता है, चंद्रमा आकाश में चमकता है, अधिकरण कारक। उसी प्रकार गौरव नदी से जल लाया, आपदान। मैं पेड़ से गिर गया, अपदान। उसके दांत से खून निकलता है, ये भी अपदान कारक। ठीक है, इस प्रकार अभ्यास की हमने कर दिए। स्वाद के लिए यही रखती हूँ, अगली कक्षा में फिर हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।